तो 2 साल में अगर बीच में नहीं समझ में आई ना तो वो अंकल आके तुम्हें बायोलॉजी के ट्यूशन नहीं देगा। हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित निर्माण। सबसे पहले तो थैंक यू यार, आप सभी ने पिछली वाली वीडियो पे बहुत ज्यादा प्यार दिखाया। काफी बच्चे बोल रहे थे कि भैया एक बहुत बड़ी परेशानी में हम फंसे हुए थे, उसका समाधान आपने दिया। तो मैंने कहा ठीक है, एक और समाधान लेके आते हैं। इस समय तुम स्ट्रीम सिलेक्शन की परेशानी में फंसे हो तो तुम्हारा भैया कब काम आएगा, इसका समाधान भी देते हैं। लास्ट ईयर भी मैंने यार एक वीडियो बनाई थी स्ट्रीम सिलेक्शन के ऊपर, बट अभी मैंने वो देखी तो मेरे को ऐसा लगा कि यार उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मिसिंग है। तो वो पॉइंट्स मैं यहाँ पे तुम्हें समझा देता हूं जिससे कि तुम्हें दिक्कत ना हो स्ट्रीम सिलेक्शन में। ध्यान से सुनते रहना। सबसे पहला पॉइंट ये है कि कभी भी अपनी क्लास 10th, जो तुम्हारी 10वीं क्लास थी, उसके हिसाब से क्लास 11th के सब्जेक्ट्स मत लेना। भैया मतलब ये कि एक एग्जांपल बताता हूं। मान लो तुम्हारे क्लास 10th के मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आते थे, ठीक है, तो इसका निष्कर्ष हम ये नहीं निकालेंगे, निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन होता है, इसका निष्कर्ष हम ये नहीं निकालेंगे कि तुम्हारे कक्षा 11वीं के मैथ्स में भी अच्छे नंबर आएंगे। ध्यान से समझा। इसका उल्टा भी है कि अगर ये मान लो कि तुम्हारे क्लास 10th के मैथ्स में कम नंबर आते थे तो इसका निष्कर्ष ये भी नहीं है कि तुम्हारे क्लास 11th के मैथ्स में भी कम नंबर आएंगे। ठीक है, मैं रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं। मेरी 10वीं में मैथ्स इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इतने अच्छे नंबर नहीं आते थे, बट 11th में बिल्कुल पलट गया था। 11th में मेरी स्ट्रांग बहुत हो गई थी, इस समय सबसे ज्यादा स्ट्रांग मेरी मैथ्स है, अच्छे नंबर आते थे। ठीक है, तो कभी भी ऐसा मत सोचना, ऐसे जज मत करना। ठीक है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, काफी बच्चे पूछते हैं कि भैया मेरी साइंस अच्छी थी तो मैं साइंस ले लूं क्या, ऐसा नहीं है। तो तुम कहोगे भैया इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इसका ये है कि तुम ये कर सकते हो कि मान लो किसी भी एक सब्जेक्ट में ऐसी कंफ्यूजन है तुम्हें, मान लो तुम्हें मैथ्स में ही कंफ्यूजन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, तुम हर एक बच्चे के अलग सब्जेक्ट हो सकता है। मान लो तुम्हें मैथ्स में प्रॉब्लम है तो तुमने क्या करा, मैथ्स की इलेवेंथ क्लास का चैप्टर नंबर 1 और 2 के यूट्यूब पे लेक्चर देख लिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 और 2 के तुमने यूट्यूब पे लेक्चर देखे। अब तुम अपने आप जज करो क्या ये मैथ्स तुम्हारे लिए बनी है या नहीं बनी है। अगर ये तुम्हें चैप्टर 1 और 2 बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, तुम्हें मजा आ रहा है पढ़ने में, तुम्हें ऐसा मन कर रहा है कि यार 1 और 2 पढ़ लिया, चलो अब तीसरा भी पढ़ लेते हैं, ऐसा लग रहा है, तो हाँ भाई मैथ्स तुम्हारे लिए बनी है। बट ऐसा लग रहा है एक बोझ वाली फीलिंग आ रही है तो मैथ्स तुम्हारे लिए नहीं बनी है, उसको मत लेना। ठीक है, सबसे पहली कंफ्यूजन तो मैंने ये दूर कर दी। अब हम आगे बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। कुछ बच्चों के दिमाग में यार देखो दो चीज होती है, पहला होता है तुम्हारा गोल और दूसरा होता है तुम्हारा सब्जेक्ट, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उस गोल को पूरा करने के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, तो कौन सा सब्जेक्ट हम बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये तो पता होता है कि भाई उनका गोल क्या है, पर उनको ये नहीं पता होता कि यार उस गोल के पहुंचने के लिए कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए सही रहेगा। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट सही रहेगा और अच्छी तरह क्लियर कर दो। तो कुछ बच्चे होते हैं जिनको गोल तो क्लियर होता है बट ये नहीं पता होता कि कौन सा सब्जेक्ट उनके लिए सही रहेगा। कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये तो पता है कि यार ये सब्जेक्ट मेरे को अच्छे लग रहे हैं बट उनको ये नहीं पता कि यार इससे पढ़ के मैं आगे किस वाली स्ट्रीम में जाऊं, कौन से करियर ऑप्शन में जाऊं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको भाई दोनों ही क्लियर है, ये भी पता है कि मेरे को कौन सा गोल है और कौन सी स्ट्रीम लेके जानी है। ठीक है, तो इन तीनों केसेस में क्या क्या करना है वो मैं बिल्कुल ध्यान से अब तुम्हें समझाता हूं। ठीक है, नीचे टाइम स्टैम्प तुम्हें मिल जाएंगे, जो भी केस है तुम्हारा उस वाले टाइम स्टैम्प पे तुम जा सकते हो, अपना टाइम मत वेस्ट करो मेरी जान। ठीक है, टाइम स्टैम्प नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, ये पहला केस है तुम्हारा, ये दूसरा केस है और ये तीसरा केस है। पहले केस पे आते हैं, भाई तुम्हारा गोल क्लियर है बट तुम्हें ये नहीं पता कि उस गोल तक जाने के लिए कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारे लिए सही रहेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, हर चीज को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। मान लो कि तुम्हारा गोल है कि भाई तुम्हें तो यूपीएससी क्रैक करना है। ठीक है, तुम्हें आईएएस बनना है, नीली बत्ती में घूमना है। अब यूपीएससी के लिए तुम नेट पे सर्च करोगे, तुम गूगल करोगे कि भाई यूपीएससी करने के लिए कौन सी स्ट्रीम होती है, मतलब कौन कौन सी स्ट्रीम से तुम यूपीएससी में जा सकते हो। गूगल करोगे, गूगल से पता चलेगा कि भाई तीनों ही स्ट्रीम, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स, तीनों से तुम जा सकते हो यूपीएससी में। अब भाई फिर डायलेमा वाली सिचुएशन आ गई कि भाई अब तीनों से ही जा सकते हैं तो कौन सा करें। अब तुम क्या करोगे कि तुम ये देखोगे सबसे पहले तो भाई इंटरेस्ट। ठीक है, कि भाई अगर तुम्हारा पहले ही मन है कि यार मैं साइंस ही लूंगा, साइंस मेरे को अच्छी लगती है, तो ठीक है तुम साइंस लेके यूपीएससी में जा सकते हो। बट फिर अगर तुम्हारा ये केस है कि तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके समझाता हूं। ठीक है, रियल लाइफ स्टोरी बताता हूं तुम्हें। मेरे 11th क्लास में यार एक सीनियर था, है ना, उस बंदे बहुत अच्छा था, वो पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर आते थे, क्लास 10th में 10 CGPA आए थे उसके, और उस बंदे ने आर्ट्स ली थी। ठीक है, तो मैंने पूछा क्या भैया यार आर्ट्स क्यों लिया आपने, तो उन्होंने बोला कि देख मेरे को यूपीएससी आगे मेरा गोल है, मेरे को यूपीएससी का एग्जाम देना है, यूपीएससी एग्जाम देने के लिए मैं कोई भी तीनों स्ट्रीम में से जा सकता हूं। तो मैंने ये सोचा कि यार तीनों स्ट्रीम ही सही लग रही है, ठीक है पढ़ तो मैं कोई भी सकता हूं, तो ऐसा करता हूं आर्ट्स ले लेता हूं, इससे मेरे को थोड़ा फ्री टाइम ज्यादा मिलेगा। ठीक है, आर्ट्स में हम ये मान सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि आर्ट्स बेकार है, बिल्कुल नहीं बोल रहा, आर्ट्स भी बहुत अच्छी है, बट हाँ आर्ट्स में तुम्हें रिलेटिवली ज्यादा टाइम मिल सकता है फ्री, जिससे कि तुम और चीजों पे फोकस कर सकते हो। तो उसने ये बोला कि मैं जब आर्ट्स लूंगा
तो मेरे को फ्री टाइम थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, जिससे कि मैं अपने यूपीएससी की तैयारी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं साइंस ले लिया तो मेरे को थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिससे शायद मैं यूपीएससी पे ज्यादा फोकस ना कर पाऊं, उसकी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस ना कर पाऊं। दूसरा, आर्ट्स लेने से कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो कि यूपीएससी में काम आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम दिमाग लगाएंगे। अगर तुम्हारा पहले से ही क्लियर है कि यार साइंस ही अच्छी लगती है, साइंस ही लेनी है, तो ठीक है साइंस लेके यूपीएससी में चले जाएंगे। ठीक है, यूपीएससी के लिए पहले ग्रेजुएशन करनी होती है, तो साइंस से ग्रेजुएशन करी फिर यूपीएससी का एग्जाम दिया। बट अभी भी क्लियर नहीं है तो तुम तीनों में से कोई एक ले सकते हो जो कि अच्छी सी लगे और ऐसा लगे कि भाई इससे आसान रास्ता है आगे जाना। समझ में आई मेरी बात? एक और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लो तुम्हें एनडीए में जाना है। ठीक है, मान लो तुम्हें एनडीए में जाना है। अब एनडीए में भी दो केस है। अगर मान लो तुम्हें आर्मी में जाना है, आर्मी में जाना है तो भाई तुम कोई भी स्ट्रीम ले सकते हो। ठीक है, एनी स्ट्रीम ले सकते हो। बट अगर तुम्हें एनडीए में आर्मी में नहीं, तुम्हें एयरफोर्स में जाना है या फिर नेवी में जाना है, एयरफोर्स या नेवी में जाना है, तो तुम्हें पीसीएम ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो एनडीए में जाना है और इनमें जाना है तो पीसीएम ही हो गया फिक्स। ठीक है, तो अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रही। बट फिर से अगर आर्मी में जाना है तो तुम कोई भी एक्सट्रीम ले सकते हो। तो कोई भी एक्सट्रीम ले सकते हो, कैसे चूज करोगे? जिस तरह से यहां पे मैंने चूज करा। ठीक है, समझ आई मेरी बात? तो अगर तुम्हारा कोई ऐसा केस है तो इस तरह से ना दिमाग लगाओ। ऐसा तो नहीं है यार मैं हर एक बच्चे का, यहाँ पे जितने भी बच्चे देख रहे हैं, हर लाखों बच्चों का एग्जाम्पल लेके बता दूंगा। बट मैं तुम्हें थिंकिंग प्रोसेस बता रहा हूं कि इस थिंकिंग प्रोसेस से तुम अपनी बेस्ट सीम जो स्ट्रीम है वो सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? यार मेरे को ऐसा लग रहा है बोर ना लगे। ठीक है, तो थोड़ा ये टॉपिक ही ऐसा है, इसलिए मैं जितना हो सकता है उतनी अच्छी तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब हम दूसरे केस पे आते हैं कि यार अगर तुम्हारा गोल जो है वो तुम्हें सब्जेक्ट पता है बट तुम्हें ये नहीं पता कि यार उससे मैं आगे कौन से करियर ऑप्शन में जाऊं। ठीक है, गोल या फिर करियर हम बोल सकते हैं, ये नहीं पता तुम्हें, तो यार अब क्या करेंगे हम? फिर एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हम एग्जांपल ये ले सकते हैं कि मान लो तुम्हारा जो सब्जेक्ट है, तुमने सोच लिया कि तुम्हें कॉमर्स लेनी है। ठीक है, तुम्हें कॉमर्स लेनी है बट तुम्हें यह नहीं पता कि अब उससे मैं कौन से करियर ऑप्शन में जाऊं। तो तुम क्या करोगे, वापस गूगल पे जाओगे, लिखोगे करियर ऑप्शंस इन कॉमर्स, उसमें लाखों करियर ऑप्शंस आ जाएंगे, नीचे पूरी एक लिस्ट आ जाती है। और उस लिस्ट को ना एक एक करके देखो, जो भी उसमें से एक एक्साइटिंग सा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बड़ा अच्छा सा लग रहा होगा, है ना, ये करने में तो शायद अच्छा लगे, तो उन तीन चार या पांच छह जितने भी ऑप्शंस तुम्हें लग रहे हैं उनको एक पेज पे लिख लो। मान लो तुम्हें कॉमर्स का, तुमने गूगल पे देखा क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं और तुमने उनमें से कुछ चार पांच चीजें लिख ली। ठीक है, कुछ चार पांच चीजें हम वापस सोच सकते हैं। मान लो तुमने लिख दिया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट काफी अच्छा सा लग रहा है। ठीक है, तुम्हें जर्नलिज्म काफी अच्छा सा लग रहा है, तुम्हें भाई टीचिंग काफी अच्छी सी लग रही है लाइन। ठीक है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, मान लो इतना ही है। ठीक है, तुम्हें सीए जर्नलिज्म और टीचिंग में काफी इंटरेस्ट सा लगा, तो तुम क्या करोगे? मान लो तुम्हें इवेंट मैनेजमेंट काफी और अच्छा लगा। ठीक है, मान लो तुम्हें इवेंट मैनेजमेंट और अच्छा सा लगा, तो तुम क्या करोगे? अब तुम्हारे पास ये चार ऑप्शन है, ये चार तुम्हें काफी एक्साइटिंग से लगे। अब तुम इंडिविजुअली इन सब के बारे में और रिसर्च करोगे। कैसे रिसर्च करोगे? वापस एक बार तो तुम गूगल से रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, तुम अपने कुछ रिलेटिव से डिस्कस कर सकते हो। रिलेटिव से ये डिस्कस नहीं करना कि ये लू ना लू, जो रिलेटिव इन चारों में से किसी एक प्रोफेशन में है उससे जाके तुम ये पूछ सकते हो कि यार कि जो भी है तुम्हारे अंकल आंटी भैया भाभी जो भी है उनसे जाके पूछ सकते हो कि अंकल इसमें कौन सा क्या क्या रहता है ना, टीचिंग लाइन में या फिर जर्नलिज्म में क्या क्या करना होता है, रोड मैप क्या रहता है, ये जाके तुम उनसे पूछ सकते हो रिलेटिव से। ठीक है, कोई सीनियर है तुम्हारा, उस भैया या फिर तुम्हारे जो दीदी हैं उनसे जाके पूछ सकते हो कि दीदी सीए में हमें कैसे कैसे रोड मैप पे जाना होता है। अगर वो अच्छा सा लगा भाई, तुम्हें ऐसा लगा कि यार अच्छा ये तो सही है यार, ऐसा रोड मैप तो अच्छा सा लग रहा है, तो फिर तुम सीए चूज कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने कॉमर्स का एग्जांपल लिया है। ऐसे ही तुम साइंस के लिए भी सोच सकते हो, ऐसे ही तुम तुम्हारे ह्यूमैनिटीज के लिए भी सोच सकते हो। ठीक, समझ में आ रही है मेरी बात? तो अब आगे बढ़ते हैं तीसरा ऑप्शन कि भैया गोल भी क्लियर है, भैया सब्जेक्ट भी क्लियर है, अब क्या करें, अब क्या करना है मेरी जान? तेरे को हर चीज क्लियर है, तेरे को मान लो एग्जांपल, मान लो तुम्हें ये पता है कि भाई मेरे को तो इंजीनियर ही बनना है। ठीक है, तुम्हारा क्लियर है, तुम्हें इंजीनियर बनना है। अब इंजीनियर के लिए तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। हाँ, ये बात समझो, मान लो इंजीनियर के पास तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम पीसीएम लोगे या तो तुम पीसीएम और बायोलॉजी भी ले लोगे। मेरा ये ओपिनियन रहता है, यहाँ पे बहुत बच्चे फंसते हैं, मेरा ये ओपिनियन रहता है कि कभी भी पीसीएम भी मत लेना, मैथ्स और बायोलॉजी कभी साथ मत लेना। तुम किसी भी एक सीनियर को उठा के पूछ लेना जिसने पीसीएम भी लियो, हर एक बच्चा रो रहा होता है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे, हर एक तो एक दो एक्सेप्शन तो निकल जाते हैं, मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो रो रहे होते हैं। ठीक है, मेरे कुछ दोस्त है जिन्होंने मैथ्स और बायोलॉजी साथ में ली थी, वो कह रहे थे भाई टाइम नहीं मिलता है ना। तो कभी भी मैथ्स और बायोलॉजी साथ में मत लेना, दोनों बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट्स हैं। या तो तुम मैथ्स लोगे या तो तुम बायोलॉजी लोगे, पर पीसीबी लेने के बाद तुम्हारा ऑप्शन रह जाएगा डॉक्टर्स और वो सब वाला। ठीक है, डॉक्टर्स, नर्सेस और बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो
या तो मैथ्स लेनी है या बायोलॉजी लेनी है, कभी भी मैथ्स और बायोलॉजी साथ में मत लेना, मेरा ये ऑनेस्ट ओपिनियन है, मैं एक बड़े भाई की तरह तुम्हें एडवाइस दे रहा हूं, ठीक है। तो इतना तुम्हें समझ में आ गया। अगला एक पॉइंट और मैं यहां पे बता दूं कि ये जो तुम्हारे गोल, ये जो तुम्हारे करियर ऑप्शंस और ये जो सब्जेक्ट का तुम्हारे इंटरेस्ट है, ये सब्जेक्ट इंटरेस्ट और ये करियर ऑप्शन तुम्हारे खुद के होने चाहिए, तुम्हारे ऊपर किसी ने थोपा ना हो, ठीक है। ये नहीं कि भाई किसी अंकल ने बोल दिया कि बेटा तू इंजीनियर बन जा, तू ये पढ़ ले तो तुमने मान लिया, ठीक है। मान लो तुमने आज उनसे मान के बायोलॉजी ले ली, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, मान लो तुम्हें किसी अंकल ने बोला कि बेटा बायोलॉजी ले ले, ठीक है, तुम्हें बोल दिया, तुम्हें प्रेशर दिया और तुमने बोल के बायोलॉजी ले ली, और वो बायोलॉजी लेने के बाद दो साल तुम्हें उसे खींचनी है, ठीक है। तो दो साल में अगर बीच में नहीं समझ में आई ना, तो वो अंकल आके तुम्हें बायोलॉजी के ट्यूशन नहीं देगा, समझ लेना मेरी बात को। कभी भी दूसरे के प्रेशर पे आके सब्जेक्ट नहीं लेना, ठीक है। दो साल रगड़ना है उस सब्जेक्ट को, दो साल उसी सब्जेक्ट के साथ गुजारने हैं, तो कभी भी दिमाग में दो साल में ऐसा ना आए कि यार मैंने गलती कर दी ये सब्जेक्ट लेके। बहुत बच्चे होते हैं, बहुत दोस्त मैंने ऐसे देखे हैं जो कि ले लिया भाई किसी के कहने पे, फिर उसके बाद रो रहे हैं कि यार क्या यार क्यों ले लिया सब्जेक्ट, क्यों ले लिया मैथ्स, क्यों ले ली बायोलॉजी, क्यों ले लिया अकाउंट्स, ठीक है। तो ऐसे मत सोचना, पहले ही क्लियर कर लो दो साल बिताने उसके साथ। अगला एक और पॉइंट मैं यहां पे रख दूं, ये मत सोचो कि यार जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। बहुत बच्चों के दिमाग में आता है कि भैया साइंस इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। मान ले तूने साइंस ले ली, ठीक है, और बाद में जाके तेरे को साइंस में इंटरेस्ट कम हो गया, ठीक है, तूने 11th के हाफ में आके तेरे साइंस में नंबर कम आने लग गए, तू बिल्कुल फेल होने की कगार पे आ गया, ठीक है। भगवान ना करे तुम फेल हो, बट फिर भी मैं एक एग्जांपल, एक रियल, तुम ये मान सकते हो फैक्ट, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे एक प्रैक्टिकल बात शेयर कर रहा हूं। मान लो 1%, तुम मान लो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो और आगे जाते जाते तुम 12th में भी फेल हो रहे हो, बहुत परेशान हो गए एक सब्जेक्ट में, फिर कहां रह गए जॉब ऑप्शंस, ठीक है। एक फेलियर को तो नहीं ले गया जॉब में बंदा। तो कभी भी ये मत सोचो कि यार इसमें साइंस में या फिर किसी भी एक सब्जेक्ट में भाई बहुत तुम्हारे करियर ऑप्शन है, जॉब ऑप्शन है, तो बिना सोचे समझे ले ली, ऐसा मत करना, ठीक है। जॉब ऑप्शन मैं तुम्हें अपना रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूं, आज मैं जितने भी काम करता हूं, यूट्यूब हो गया और बहुत सारे काम है, उन सभी में मेरी डिग्री मुझे हेल्प नहीं करती, ठीक है। ऐसा नहीं है, अगर मैं इंजीनियरिंग ना भी कर रहा होता तब भी मैं इन सब कामों को कर सकता था। तो जॉब ऑप्शंस बहुत होते हैं जिसमें कि ये सब मैटर भी नहीं करता, समझ में आ रही मेरी बात। तो बस अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना गोल को क्लियर रख के तुम्हें अपना सब्जेक्ट लेना है। दोस्त तुम्हारा क्या ले रहा है, तुम्हारा भाई क्या ले रहा था, भाई ने क्या लिया था, ठीक है, तुम्हारे अंकल आंटी ने क्या लिया था, पापा मम्मी ने क्या लिया था, उसको देख के नहीं सोचना, ठीक है। शर्मा जी का अंकल क्या ले रहा है ये नहीं सोचना, शर्मा जी का अंकल आके तुम्हें ट्यूशन नहीं देगा, ठीक है। शर्मा जी का बेटा आगे तुम्हें ट्यूशन नहीं देगा, समझ में आई मेरी बात। तो यार यही सब अब डिस्कस करना था इस वाली वीडियो के लिए। अगर तुम्हें ये देखना है कि मान लो तुम्हारा है कि भाई मेरे को भैया ये भी बता दो कि साइंस में कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कॉमर्स में कौन कौन से ऑप्शंस हैं, आर्ट्स में कौन कौन से ऑप्शंस हैं, ये सारे फेमस ऑप्शंस बता दो, तो इसके लिए यार पिछली वाली वीडियो थी, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, बच्चे बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो वाली वीडियो तुम जाके देख सकते हो, यहां कहीं पे लगा दूंगा, ठीक है। और एट लास्ट एक ही बात बोलूंगा, टेंशन मत लिया करो मेरी जान, तुम्हारा भैया यहां पे खड़ा और तुम टेंशन ले रहे हो, टेंशन लेने का काम तो मेरा है, तुम बस मन लगा के अच्छी तरह पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे का काम मैं संभाल लूंगा, ठीक है। टेंशन मत लिया करो, आराम से पढ़ो, है ना। और अगर कोई भी अभी भी डाउट रह गया हो तो मैं सोचूंगा एक दो दिनों में इंस्टा पे लाइव आ जाऊंगा, ठीक है, उसमें तुम क्वेश्चंस पूछ लेना, और तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है, ठीक है। 11th अच्छी तरह शुरू करनी है, फुल जोश के साथ स्टार्ट करनी है। बाय, चलो जाओ पढ़ लो, बाय।